नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल में MLM रिव्यू इंडिया में। जैसे कि आपको पता है, जो भी नए नए प्लान्स आते हैं MLM में, उसको हम लोग रिव्यू करते हैं इस चैनल पे और उस कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग कंपनी कहाँ से है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, हम लोग सारे के सारे जानने की कोशिश करते हैं इस चैनल पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे कि मैंने पिछले बार एक वीडियो डाला था XTB ट्रेड को लेके, जो कि इंडिया में एक प्लान रनिंग है ROI, और उस प्लान को मैंने लेके एक वीडियो डाला था। तो काफ़ी कमेंट्स है उस पर, नेगेटिव कमेंट्स भी थे और पॉजिटिव कमेंट्स भी थे। तो नेगेटिव कमेंट्स कुछ आए उस पर, तो लोग बोल रहे थे कि भाई मुझे तो वहाँ से पेमेंट आ रहा है, XTB.World जो कंपनी है, तो मुझे वहाँ से तो पेमेंट आ रहा है, भाई आप झूठ बोल रहे हो, आप मतलब कंपनी तो जेन्युइन है। देखो भाई, MLM में जो भी कंपनी आती है ना, स्टार्टिंग में कंपनी देती ही है। कोई भी कंपनी मतलब ऐसे नहीं है कि आपने पैसा डाला और कंपनी देगी नहीं, ठीक है? बिकॉज अगर कंपनी रिटर्न में कुछ देगी नहीं आपको, कंपनी अगर ROI देगी नहीं आपको, तो आप रेफर किसको करोगे यार? आपका नेटवर्क कैसे बढ़ेगा कंपनी का? कंपनी को बिजनेस कहाँ से आएगा, रोकड़ा कहाँ से आएगा इतना बड़ा? तो देखो भाई, कंपनी पैसा देगी आपको और दे भी रही है। मैंने वो चीज़ मना नहीं किया कि कंपनी पैसा नहीं दे रही है, ठीक है, पे आउट भी दे रही है। मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, अगर आप कहीं पे पैसा लगा रहे हो, उस कंपनी का अगर बेस ही झूठा है, मैंने उस टॉपिक पर उस वीडियो में बात की थी, ठीक है? तो काफ़ी लोग फिर भी मतलब जो ऑलरेडी मतलब जिन्होंने पैसा डाल चुके हैं XTB में, तो उन लोग मतलब मानने को तैयार ही नहीं। अगर मानने के लिए तैयार भी हो जाए, फिर भी उनका पैसा तो अटका है ना, फिर भी मतलब उन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि XTB जो भी है ये कंपनी अलग है करके। तो देखो भाई, सिंपल सा जो भी है चीज़ है, जो XTB जो कंपनी है, जो ये जो कंपनी है XTB ट्रेडिंग, ये जो ऑनलाइन ब्रोकर है, तो इंडियन कंपनी जो XTB रन कर रही है, उन लोग बोल रहे हैं कि ये सारा का सारा जो भी है ये उनका है, ठीक है? यानी कि दोनों सिस्टम एक ही मर्ज है, दोनों सिस्टम एक ही है। और सारा का सारा जो भी प्रमोशनल मटेरियल है, यूट्यूब पे फोटोज़ है, ऑफिस के फ़ोटोज़ है, सारे के सारे ये XTB.com के XTB.in के यूज़ कर रहे हैं और उन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो हमारा है। तो जैसे कि मैंने उस वीडियो में सारा का सारा मतलब काफ़ी कुछ बताया, उसमें डोमेन के बारे में बताया, बाकी सब कुछ बताया मैंने। तो आज मैं एक फाइनल वीडियो इस बारे में बताने जा रहा हूँ कि मतलब डायरेक्टली हम लोग XTB से बात करते हैं और कंफर्म करते हैं कि वो कंपनी इनका है कि नहीं है, ठीक है? तब तो यार मतलब फाइनल हो जाएगा, उसके बाद भी अगर आपको नहीं मानना है तो वो आपकी गलती है, ठीक है? तो हम लोग डायरेक्ट अभी यहाँ पे XTB के वेबसाइट में आ गए। चलो यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ एक बार। तो ये XTB.com या फिर आप XTB.in भी डालोगे तो देख लो, ये उनका ही कंपनी का वेबसाइट खुल जाएगा। दोनों के दोनों उनमें डोमेन सेम साइट पे, वहाँ पे कनेक्ट होते, .in डालो, .com डालो, ठीक है? तो यहाँ पे राइट साइड में देखो, यहाँ पे चैट का ऑप्शन दिखेगा आपको, यहाँ पे क्लिक करो। तो यहाँ पे सेंड मैसेज नाउ, हाय, तो इनको यहाँ पे मैंने मैसेज किया। यहाँ पे जो XTB के जो ओरिजिनल मैनेजमेंट है, वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव है, वहाँ पे मैंने मैनेजमेंट को डायरेक्टली मैसेज किया यहाँ पे कि जो कंपनी जो वहाँ पे XTB.World जो रनिंग है वो आपकी है क्या, ठीक है? देखते हैं आगे से क्या रिप्लाई आता है। और आप भी यहाँ पे मतलब इनसे बात करके डायरेक्टली पूछ सकते हो। देखो कोई भी ये नहीं है, डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जाओ, चैट ऑप्शन पे ओपन करो, डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करो। ये वीडियो मैं कल ही एक्चुअली डालने वाला था, लेकिन कल संडे होने के कारण ना यहाँ पे चैट का ऑप्शन यहाँ पे टुमारो पे आ रहा था, मतलब रिप्लाई जो है टुमारो पे आ रहा था। यूजुअली इन लोग 5 मिनट में इन लोग रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन संडे को आप अगर करोगे ना, तो संडे को ऐसे दिखाएगा कि मंडे को रिप्लाई आएगा। तो देखो यहाँ पे इनका रिप्लाई आ चुका है मैनेजमेंट से, डायरेक्टली XTB के मैनेजमेंट से। वी डू नॉट हैव एनी कनेक्शन विथ XTB, दे आर स्कैमर्स एंड वी हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड देम, प्लीज़ बी केयरफुल। देखो यार, सामने से जो XTB का जो मैनेजमेंट है, वो अगर बोल रहा है कि हमारा उनसे कोई भी मतलब नहीं है यार, कोई भी कनेक्शन नहीं है, फिर भी आप मतलब पैसा डाल रहे हो, आप कैसे मानोगे यार? मतलब XTB कंपनी जिनका नाम उन लोग यूज़ कर रहे हैं, कि खुद उन लोग ब्रोकर है, वो कंपनी सीधा बोल रही है कि यह कंपनी हमारा नहीं है, वो स्कैमर्स है।
देखो इन्होंने इनका वेबसाइट भी दे दिया, तो इनसे पूछते हैं। आपकी सर्विसेज इंडिया में रनिंग है क्या? ठीक है, क्योंकि प्लान तो इंडिया में चालू है ना, और मोस्टली ज़्यादा ज़्यादा करके आप अगर इसका देखो xtb.world का अगर आप डोमेन भी अगर चेक करते हो ना, नेम कहीं पे भी, तो डोमेन की जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन निकालोगे ना, तो डोमेन भी मतलब अभी अभी का है, 2020 का ही डोमेन है वो। ज़्यादा मतलब इन लोग बोल रहे हैं ना कि इतना ओल्ड डोमेन है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, डोमेन भी अभी अभी रजिस्टर हुआ है। तो आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देख लो यार, और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कुछ मतलब प्रूफ हो सकता है कि आप डायरेक्टली XTB के मैनेजमेंट से बात कर लो। आप खुद करो, इस वीडियो पे बिलीव मत करो, आप खुद जाओ चैट के ऑप्शन वहाँ पे XTB पे, XTB.com पे आप ओपन करो, XTB.in पे ओपन करो, ऑफिशियल वेबसाइट है उनका, वहाँ पे चैट ओपन करके आप डायरेक्टली उनसे बात कर लो, ठीक है, और कंफर्म कर लो यार। मतलब आप जो पैसा लगा रहे हो, ठीक है, मैं नहीं बोलता मतलब कि कंपनी देखो पैसा दे रही है, नो डाउट पैसा दे रही है कंपनी को, काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए, लेकिन कंपनी दूसरे का नाम यूज़ कर रही है एकदम, और फोटो कंपनी का मतलब कुछ भी बेस नहीं यार। कंपनी का ना ऑफिस है, ना नाम है, ना ओनर का नाम पता है किसी को। मतलब कंपनी ऐसे पैसा उठा रही है लोगों से कि कंपनी रातों रात कहाँ पे निकल जाएगी ना भाई, वो भी आपको पता नहीं चलेगा कि कंपनी किसकी है। ठीक है, अगर कोई कंपनी अगर जेन्यून है, ठीक है, वो बंद होती है वो नो फैक्ट, वो अलग अलग बात है, वो बंद होती है वो अलग बात है, लेकिन कंपनी का ऑफिस अवेलेबल है, कंपनी का CMD है, MD है, कंपनी नहीं दे पाती है, कंपनी बंद हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे अगर कंपनी रनिंग है, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा डाल रहे हो, पैसे का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लो आ रहा है, और आपको अगर कंपनी पता ही नहीं है कि कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी कहाँ से, और वो ऑलरेडी कंपनी किसी इतनी बड़ी कंपनी का नाम यूज़ कर रहे कि हमारा है। और सामने से देखो यहाँ पे और एक रिप्लाई आ गया कि इनकी जो सर्विसेज है XTB की वो इंडिया में रनिंग नहीं है। तो देखो यार यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, आप खुद चाहिए तो आपको जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछ लो, मैंने खाली दो ही क्वेश्चन मेन सबसे मेन क्वेश्चन पूछ लिया कि XTB.world आपका है क्या। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्लियरली यहाँ पे जवाब दे दिया है, हमारा नहीं है और हमारा कोई भी सर्विसेज अभी इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कुछ प्रूफ होगा, आप खुद से आप चैट कर लो, आपको जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन है आप सारे के सारे इनको पूछ लो डायरेक्टली, सबके लिए ऑप्शन है अवेलेबल है। खाली इतना ही है भाई, संडे को इसको, संडे और सैटरडे आई थिंक, क्योंकि ट्रेडिंग डेज बंद होते हैं वहाँ पे, पूरा ग्लोबल मार्केट वहाँ पे क्लोज होता है, तो सैटरडे और संडे को यहाँ पे इनको मैसेज मत करना, क्योंकि वहाँ पे उन लोग आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। बाकी वर्किंग डे में आप मैसेज करो, आपको 5 मिनट में आपको इनका रिप्लाई आ जाएगा। आपको जो भी क्वेश्चन करने हैं ना आप डायरेक्टली इनसे बात कर लो, ठीक है। इनसे मैंने पहले भी काफ़ी लोगों से मैंने बात कर चुका हूँ, देखो इनसे भी मैंने, ये दूसरे को ही है, इनसे भी मैंने बात किया था पहले, इनको भी सेम क्वेश्चन किया था, इनको इनका भी सेम रिप्लाई आया था, वी डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद XTB.world, प्लीज़ इन्फॉर्म दैट वी डू नॉट हैव सर्विस इन इंडिया, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़। देखो तो बहुत बार कंफर्म किया मैंने सारा का सारा, और जो लोग मतलब बोल रहे ना कि कंपनी रियल है, कंपनी में मतलब, देखो भाई अगर आपके मीटिंग्स में, आपके जूम मीटिंग में अगर फॉरेनर भी अगर बैठ रहे हैं ना भाई, तो आजकल हर चीज़ का सेटिंग है भाई, आप मतलब कुछ डॉलर देके वहाँ पे होस्ट भी आप खरीद सकते हो जूम मीटिंग का, क्योंकि देखो हर कोई पैसा कमाने के लिए यहाँ पे बैठा है, और फॉरेन में भी मतलब कुछ बहुत सारे मतलब ऐसे होस्ट है जो मतलब पेड है, आप जिनको पैसा देके आप जो भी है मीटिंग में बिठा सकते हो, ऐसे लोगों को मैं भी खुद जानता हूँ। तो इसके लिए देखो उस चीज़ पे बिलीव मत करो कि फॉरेनर इस कंपनी को कर रहे हैं, वो बस आपको मतलब कंपनी अगर इतना कमा रही है भाई, कंपनी का फ्लो आप खुद को, आपको पता है कि XTB में मतलब कितना लोग पैसा डाल रहे हैं XTB में, तो मतलब आप अंदाज़ा लगा लो कि कंपनी मतलब क्या क्या कर सकती है उसको ये करने के लिए। तो मेन चीज़ यही था, आप खुद डायरेक्टली यहाँ पे चैट करके पूछ लो जो भी है, कंफर्म कर लो, और इसके बाद मैं नहीं लग मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई चीज़ बची है आपको क्लियर करने के लिए कि ये दोनों कंपनी है एक ही है। यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाता है अगर कंपनी ही बोल रही है कि इसका वहाँ से कोई कनेक्शन है ही नहीं, वो स्कैमर्स है। ठीक है, तो चलो वीडियो आज का इतना ही था, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो यार, ताकि मतलब जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं वो मतलब इस कंपनी में बच सके, उनका जो पैसा है मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो यहाँ पे बच सके। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।